वेलकम टू सद्भावना न्यूज़ एंड मैं पूनम शर्मा। हाउ टू स्टॉप हेयर फॉल। हर कोई चाहता है कि उसके बाल सुंदर और काले हों, क्योंकि यह बाल पर्सनैलिटी को निखारने का काम करते हैं। लेकिन आजकल की भागदौड़ भरी इस जिंदगी में लोग बालों की सेहत का ख्याल नहीं रख पाते, लिहाजा वे झड़ने लगते हैं। अगर आप भी बालों के झड़ने से परेशान हैं तो ये खबर आपकी मदद कर सकती है। कुछ गलत आदतों के चलते हमारे बाल पतले होने लगते हैं और टूटकर गिर जाते हैं। बाल झड़ने की समस्या से निजात पाने के लिए आपको उसके कारणों का पता करना होगा। इस खबर में हम आपके कुछ ऐसे टिप्स दे रहे हैं जो बाल झड़ने की समस्या से आपको निजात दिला सकते हैं। इन आदतों की वजह से झड़ने लगते हैं बाल। एक, अधिक स्ट्रेस और तनाव से झड़ते हैं बाल। कई लोग छोटी छोटी बातों पर स्ट्रेस लेते हैं, जिसका सीधा असर स्वास्थ्य के साथ साथ बालों पर भी पड़ता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो अधिक तनाव लेने की वजह से बाल झड़ने लगते हैं। अगर आप भी स्ट्रेस की समस्या से जूझ रहे हैं तो मेडिटेशन करें और इससे तनाव कम होता है। दो, गलत प्रोडक्ट्स यूज करना। हर इंसान को अपने बालों के टाइप के हिसाब से प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। बालों के पतले होने का कारण गलत प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल हो सकता है। कई बार गलत हेयर मास्क शैम्पू की वजह से भी बाल कमजोर और पतले हो जाते हैं। ऐसे में अपने बालों के टेक्सचर के हिसाब से सही प्रोडक्ट्स चुनें। तीन, बालों पर एक्सपेरिमेंट करने की आदत। हम देखते हैं कि बदलते फैशन में लोग कपड़ों के साथ साथ बालों पर भी तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करना पसंद करते हैं। इस दौरान हम बालों में बहुत ज्यादा हीटिंग टूल्स केमिकल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से बाल कमजोर हो जाते हैं। आपकी इन आदतों का असर बालों पर पड़ता है, इसलिए इस आदत में सुधार करना चाहिए। झड़ते बालों को कैसे रोकें? भरपूर प्रोटीन और आयरन भोजन में शामिल करें। बालों की जड़ों पर हल्के हाथों से मसाज करें। अपने बालों की जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट का प्रयोग करें। बालों की जड़ों में कोकोनट मिल्क, अंडा, तरह तरह के फ्रूट जूस आदि लगाएं। गीले बालों में कभी भी कंघी ना करें। यहाँ दी गई जानकारी किसी भी चिकित्सीय सलाह का विकल्प नहीं है, यह सिर्फ शिक्षित करने के उद्देश्य से दी जा रही है। पावर्ड बाय आर्थ्रोस क्लिनिक, अ डेडिकेटेड सेंटर फॉर आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरीज।